नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। पेश है वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल का दौरा किया। कोलकाता पहुंचने पर बीजेपी नेता स्वताची दत्ता व सांसद सुमित्र खान ने एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया, जहां से पीएम हेलीकॉप्टर द्वारा हल्दिया पहुंचे। हल्दिया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सबसे पहले उत्तराखंड में हुए भीषण त्रासदी की जानकारी से उन्होंने लोगों को साझा की। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड वासियों को हौसला देते हुए पीएम ने कहा कि वहां के लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, समूचा देश उत्तराखंड के लिए प्रार्थना कर रहा है। उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात दे सकता है, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए काम लगातार जारी है। साथ ही पीएम ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे परिवार बमुश्किल मिलते हैं जिनका कोई ना कोई सदस्य भारतीय फौज में ना हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में सुबह 9 से 10 बजे के बीच ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही हुई है। जोशीमठ में धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण ऋषि गंगा प्रोजेक्ट नष्ट हो गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार गृह मंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री के संपर्क में रहे। आपदा से निपटने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआर की कई टीमें मौके पर पहुंची। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। चमोली में हुए इस भीषण हादसे का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा के किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। शाम तक लगभग 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस हादसे में 150 से अधिक मजदूरों के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आज पीएम मोदी ने हल्दिया सहित वेस्ट बंगाल के विकास से जुड़ी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। चाय और योग जैसी चीज़ों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन क्या आपने दीदी के मुंह से इन साजिशों के खिलाफ एक भी शब्द सुना है? पीएम ने कहा कि मैं इन सब षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूँ कि देश इन सभी षड्यंत्रों से पूरा जोर से इसका जवाब देगा। आसाम में पीएम मोदी ने चाय के मुद्दे पर बात। पीएम ने कहा कि षड्यंत्र रचने वाले आज इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर की नींव खुदाई का निरीक्षण किया व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा करने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्या गोपाल दास से मुलाकात की। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन खत्म होने तक भारत इंग्लैंड के 578 स्कोर के जवाब में 6 विकेट खोकर 257 रन बना चुका है। इसके साथ ही भारतीय टीम पर फॉलो ऑन का खतरा भी मंडराने लगा है। फॉलो ऑन से बचने के लिए भारत को लगभग 120 रन अभी भी बनाने होंगे। वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर मौजूद है। कोरोना के टीकों की सबसे ज़्यादा खुराक देने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे पायदान पर पहुँच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ये बताया कि कोरोना वायरस में अमेरिका पहले व ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।